लास्ट वीडियो में मैंने आपको आटा गूंदना और उसके पेड़े बनाना सिखाया था। अब मैं आपको रोटी बेलना सिखाऊंगा क्या, मैं अपने खाने की तैयारी कर रहा हूँ, उसका वीडियो बना रहा हूँ। तो पेड़े को आप पहले सूखे आटे के साथ मिलाना, क्योंकि गीला होगा तो वो चिपकेगा बेलन के साथ। या अच्छा, एक और बात है, मैंने कभी भी रोटी को गोल बनाने की शर्त नहीं रखी है। मेरी रोटी टेढ़ी मेढ़ी थोड़ी बहुत गोल बन जाती है, लेकिन हाँ एक बात है, फूलती हमेशा है। अपने रोटी बेलते वक्त एक चीज़ ध्यान रखना है कि इसकी सभी तरफ से ऐसे बेला जाए कि किसी तरफ मोटा किसी तरफ पतला ऐसा ना रह जाए, तो आपकी रोटी अच्छे से फूलेगी। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, मेरी गोल रोटियां नहीं बनती हैं और मैं खुद से कोई शिकायत भी नहीं करता, रोटी मेरी अच्छी बन जाती है मेरे हिसाब से।